दोस्तों शाहरुख खान सर फिर से बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले हैं क्योंकि इसी दिसंबर में उनकी एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है डंकी। डंकी सुनकर आप डोंकी मत समझ लेना। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लगता है कि इस फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ आपको कोई मैसेज देने की भी बढ़िया कोशिश की गई है और इसी मैसेज को ट्रेलर में छुपा करके रखा गया है। बाकी ट्रेलर को देखकर फिल्म की 70% से ज्यादा कहानी समझ में आ जाती है। इस फिल्म का ट्रेलर लोगों के विदेश जाने की कहानी को बताता है। अब इन्हें वहां जाने पर क्या क्या परेशानी आती है, ये अपनी दिक्कतों का सामना कैसे करते हैं और इस फिल्म में खास संदेश क्या है, दोस्तों यही चीज हमें फिल्म देखने पर मजबूर करती है। दोस्तों यदि इस फिल्म की कहानी और फिल्मों से बिल्कुल अलग है तो ये तय है कि ये फिल्म धमाका कर देगी। इस फिल्म में बाकी के 4 लोग और भी दिखाए गए हैं जो शाहरुख खान के फैमिली मेंबर की तरह ही होते हैं और इस फिल्म की कहानी इन्हीं 4-5 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है और इन 4 लोगों में कोई भी कुछ खास काम नहीं करता है। एक बाल काटता है, दूसरा औरतों के कपड़े बेचता है और तीसरा अंग्रेजी झाड़ने में लगा रहता है और चौथा है मन्नू जो कि इस फिल्म की हीरोइन है। दोस्तों हो सकता है कि इस फिल्म में आपको फ्लैशबैक की कोई कहानी भी सुनने को मिल जाए क्योंकि शाहरुख सर ने खुद ही बोला है, मैं हूँ हरदयाल सिंह ढिल्लों हड्डी। दोस्तों डंकी शब्द का आखिर मतलब क्या है? समुद्र में नाव के द्वारा और रेगिस्तान में पैदल चलकर दूसरे देशों में अवैध रूप से जाने के तरीके को ही डंकी कहा जाता है। ट्रेलर के अंत में एक बढ़िया मैसेज को भी दिखाया गया था जिसमें लोगों को रेगिस्तान में चलते हुए दिखाया जाता है और एक विमान उनके ऊपर से उड़ता है जिसका मतलब है कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट और संसाधन हैं वो आसानी से यात्रा कर सकते हैं और जिनके पास पासपोर्ट और संसाधन नहीं उनको ऐसे ही जाना होता है, यानी ऐसे लोगों को डंकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो भाई साहब अब ये भी बता दो कि इस फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? जे कहानी शुरू हुई थी 1995 में। दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर में एक गाना भी दिखाया गया है, मैं तो लुटपुट गया। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन ना तो ये गाना ही ढंग का है और ना ही इसमें कुछ खास डांस दिखाया गया है। दोस्तों डंकी फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे बढ़िया एक्शन के साथ आपके सामने परोसा जाएगा। फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश की गई है इसीलिए मुझे भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। तो भाई साहब आपकी पन्नू आपके लिए क्या कर सकती है? दुनिया से लड़ जाती है मेरे लिए। इस फिल्म में शाहरुख सर एकदम जवान लग रहे हैं जो कि फिल्म का प्लस पॉइंट हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस फिल्म में विलन कौन होगा। दोस्तों फिल्म का पूरा ट्रेलर देखने के बाद भी हमें ये नहीं पता चल पाया है कि इस फिल्म में मेन विलन कौन है। शायद इस चीज को अभी सस्पेंस के तौर पर बचा कर रखा गया है क्योंकि अगर सब कुछ ट्रेलर में ही दिखा दिया जाएगा तो फिर फिल्म देखने का मजा ही क्या रह जाएगा। वैसे हो सकता है कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले पहले हमें इस फिल्म का एक और ट्रेलर दिखा दिया जाए जिसमें शायद मेन विलन को भी दिखा दिया जाए। दोस्तों केवल बेहतरीन फिल्मों को लेकर ही मैं आपके सामने आता हूँ और हमारे बीच ये सिलसिला जारी रहे, तो इसलिए मैं आपसे बॉलीवुड एंगल चैनल को अभी से सब्सक्राइब करने का निवेदन करता हूँ ताकि आप और ज्यादा बेहतरीन फिल्मों के बारे में जान सकें। अब दोस्तों थोड़ा सा इस फिल्म की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी में पंजाब के 4 लड़कों का इंग्लैंड जाने का सपना होता है लेकिन उनकी समस्या ये है कि उनके पास जाने के लिए ना तो कोई वीजा है और ना ही कोई टिकट। इसीलिए एक सोल्जर आकर उनसे ये प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें इंग्लैंड ले जाएगा और इस तरह वो उनका सपना पूरा करेगा। दोस्तों लीड रोल की बात करें तो इस फिल्म में आपको शाहरुख खान, विक्की कौशल, तापसी पन्नू, बोमन ईरानी ये सब आपको मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में अदर कास्टिंग की बात करें तो दिया मिर्जा, विक्रम कोछार जैसे कलाकार भी आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इस फिल्म की लोकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म विदेश जाने की कहानी को कहती है तो उस हिसाब से फिल्म में लोकेशन कुछ खास नहीं दिखाई देती। फिल्मों में लोकेशन एक अहम हिस्सा होता है जो आपकी वीडियो में 4 चांद लगा देती है। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राजकुमार हिरानी साहब। इस फिल्म के ट्रेलर में भी इस बात पर जोर देकर बताया गया है कि इन्होंने अब तक की कौन कौन सी बेहतरीन फिल्मों को बनाया है, जैसे कि मुन्ना भाई, MBBS, 3 Idiots, PK और संजू जैसी शानदार फिल्मों को बनाया है। ये इसलिए दिखाया गया है कि ये चीज भी फिल्मों को चलाने के लिए एक बढ़िया ट्रिक है क्योंकि जिस इंसान ने पहले से ही इतनी बढ़िया फिल्मों को बना रखा हो वो भला इस फिल्म को बनाने के लिए क्या कोई कसर छोड़ेगा। अब दोस्तों ये फिल्म कितना कमा पाती है, दर्शकों को ये फिल्म कितना पसंद आती है ये तो इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और इस फिल्म की जो लेंथ है वो करीब करीब 2 घंटे 40 मिनट की बताई गई है। दोस्तों ये पूरी फिल्म शाहरुख सर के कंधों पर ही टिकी है। अगर ट्रेलर के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये फिल्म भी काफी अच्छा पैसा कमा लेगी। तो दोस्तों आपने इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में तो जान लिया, लेकिन अगर आपको ऐसे ही फिल्मों की पूरी कहानी सुनना पसंद है या आप जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड में अब तक की कौन कौन सी बेहतरीन फिल्में आ चुकी हैं, हो सकता है आपने उनमें से कुछ फिल्मों को मिस कर दिया हो, तो आप इस चैनल पर जाकर विजिट करें और देखें कि आपने कौन कौन सी शानदार फिल्मों को मिस कर दिया है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे किसी और बेहतरीन फिल्म की कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।